हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड देखिए, हम आए हैं अपने उस खेत में जो आप लोग को दिखाया था, एकदम पीला पीला सरसों था, तो वही सरसों का खेत है। देखिए एक भी फूल नहीं दिख रहा है आप लोग को, तो हम आए हैं लाही को खेत से ले जाएंगे घर, लाही को निकालने। हम लोग गाँव में बोलते हैं लाही काटने जा रहे हैं, तो आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो हम देखिए आए हैं लाही को काटने। देखिए लाही कितना अच्छे से सूख गया है, ऐसे हो जाता है, फिर हम लोग लाही को निकाल लेते हैं। हम बैक कैमरे से आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए लाही एकदम पीला पीला हो गया है, ऐसे थोड़ा हरा ही रहेगा तभी निकाल लेंगे, अगर एकदम पीला हो जाएगा तो फिर लाही गिर जाए। अगर ज़्यादा मतलब ऐसे हो जाता है तो लाही को निकालते समय ये यहीं खेत में ही गिर जाता है, घर तक नहीं जा पाता है। और देखिए मौसम भी सही नहीं है, तो हम लोग आज इसलिए आए हैं कि लाही को निकाल लेते हैं, और नहीं तो लाही ख़राब हो जाएगा। एकदम बादल बादल है, धूप नहीं है, तो अगर जो बारिश हो जाएगा तो लाही एकदम ख़राब हो जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं सरसों। तो चलिए हम लाही को निकालते हैं, देखते हैं कैसे लाही निकाला जाता है। फ्रेंड देखिए ऐसे लाही को निकालते हैं, एक एक लाही करके फिर निकालेंगे हम लोग, फिर इसको घर पे ले जाके रख देंगे एक दिन। एक दिन के बाद से फिर ये जो थोड़ा हरा हरा है एकदम सूख जाएगा, अच्छे से घर पे रखने के बाद से ढक के रखेंगे तो क्या बोलते हैं औस जाता है ना, तो फिर लात से लतियाएंगे तो अच्छे से निकल जाएगा वो, तो फिर हम लोग ले जाएंगे घर। देखिए थोड़ा सा सरसों पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और हम वीडियो भी बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगता है। फ्रेंड तो जरूर लाइक शेयर करिए और खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। देखिए कितना मेहनत हम कर रहे हैं। तो फ्रेंड हम इतना लाही काट चुके हैं, देखिए इतना सारा काट लिया, अभी इतना सारा बाकी है, तो फिर पूरा निकाल के फिर हम आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स देखिए हम लोग सरसों ला के रखे हैं, परसों ही हम लोग सरसों लाए हैं, तो सरसों आप लोग देखे थे कितना हरा हरा था, अब देखिए कैसा एकदम दो दिन ऐसे रखने से सूख गया है। तो अब हम इसे लतियाते हैं, मतलब पैर से कुचल के निकालते हैं सरसों को, फिर दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसे निकलता है और कितना मेहनत करने के बाद तब जाके सरसों पीला पीला देखने को मिलता है। फ्रेंड्स देखिए कितना धूप है, इसलिए मोड़े हैं, और कल मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, तो इसलिए दीदी थोड़ा लेट से ही बना रहे हैं। अरे मामा खुल ही नहीं रहा है, देखिए इसे थोड़ा थोड़ा करके ले जाके, देखिए अभी अंदर हरा हरा ही है। देखिए पैर से ऐसे कुचलते हैं, फ्रेंड्स ऐसे थोड़ा थोड़ा सरसों ला के ऐसे सरसों के पौधे को फिर हम लोग पैर से कुचलेंगे, ऐसे लतियाएंगे, लतियाने के बाद से पूरा फिर हम आपको दिखाते हैं कैसे करके तभी फिर से लाही निकालेंगे। देखिए कितना कचरा और कितना गर्दा है, तो दिखाएंगे ये पीला पीला सरसों कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम लोग पूरा हलोर चुके हैं, बस थोड़ा सा और बचा है, इसको सही से निकालेंगे इसमें से कचरा, फिर दिखाते हैं आप लोग को कि कैसे सरसों निकालते हैं और कितना मेहनत लगता है तब जाके सरसों निकलता है। फ्रेंड देखिए हम लोग हलोर चुके हैं और इतना कम बचा है, आप अगर जो ऐसे हलोर के इसमें रख रहे हैं तो इसी में सरसों चला जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इससे चालेंगे, थोड़ा सा बचा है तो फिर मेहनत तो करना पड़ेगा। तो चलते इसको चालते हैं, ऐसे देखिए सरसों पूरा चालेंगे, फिर चालने के बाद से दिखाते हैं आप लोग को निकलने के बाद। फ्रेंड्स देखिए हम लोग पूरा लाही चाल चुके हैं, चालने के बाद कुछ ऐसा दिखता है लाही, और इसको फटकना पड़ेगा और उसमें से धूल मट्टी जो है वो निकालना पड़ेगा,
और जब हम लोग लाही कुचले थे कि ये इसमें, इसके बाद से इसे डंडी से पीटा जाता है, लेकिन हम लोग अच्छे से कुचल लिए हैं तो हम लोग पीटे नहीं। आप लोग चाहे तो पीट भी सकते हैं, पीटने के बाद से फिर आप लोग ये लाही चालिए। फ्रेंड्स देखिए, तब हम ऐसे फटकेंगे, फटकने के बाद से फिर एकदम क्लीन हो जाएगा सरसों, फिर इससे हम लोग तेल निकलवा सकते हैं। देखिए इसमें कितना धूल है, देखिए इसमें कितना मिट्टी है, ऐसे मिट्टी उट्टी सब साफ कर लेंगे। देखिए ये चालने के बाद कलाई है, इसमें इतना धूल उल दिख रहा है, मिट्टी उट्टी। और ये है जब हम फटक दिए हैं लाई को, पूरा एकदम क्लीन हो गया है, कैसे दाना दाना एकदम पता चल रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये फ्रेंड्स साफ हो चुका है। फ्रेंड्स आज बहुत सारा धूप था, तो धूप में देखे हैं आप हम कितना मेहनत किए हैं, कितना पहले लाई को हम लोग कुचले हैं, कुचलने के बाद से उसको हलोरे हैं, हलोरने के बाद से फिर उसको चाले हैं, चालने के बाद से फिर हम फटके हैं, तो फटकने के बाद से ये देखिए फुल रिजल्ट आया है। अब अगले वीडियो में हम आप लोग को दिखाएंगे कि इस सरसों से कैसे तेल निकलता है और तेल कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पर एंड करने चलते हैं, और एंड करने से पहले आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जो है ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, तभी ना आपको मेरे हर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। तो फिर फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।